बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी ने मिशन बंगाल की तैयारी तेज कर दी है। एक दिन पहले गुरुवार को डायमंड हार्बर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। घटना के बाद गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इन सब के बीच बीजेपी नेता सायंतन बसु ने टीएमसी पर बड़ा बयान दे डाला है। तो पुलिस से सामने ही হচ্ছে এগুলো সব পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে করছে এটা চিন্তার বিষয় এর জন্য আমরা রাজনীতি ছাড়তে পারি না আমরা আমাদের কাজ করছি সারা ভারত সরকার বিশ্বের লোক দেখছে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা অবস্থা কি। दरअसल बंगाल के सियासी पिच पर डायलॉग्स की डिलीवरी जारी है। बीजेपी बंगाल के महासचिव सायंतन बसु ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले को लेकर ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर एक को मारोगे तो हम चार मारेंगे। उनका बयान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास के बाहर पोती गई कालिख के बाद आया। बीजेपी नेता सायंतन बसु का कहना है अभी तो शुरुआत हुई है। सायंतन बसु के बयान के बाद बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने पोस्टर से बदले की बात कही। दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट में ममता सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि बदला होबे बदलाव होबे, मतलब बदलाव करेंगे और बदला भी लेंगे। बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियों के समर्थक आपस में कई बार भिड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जारी टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई का असर दिल्ली में दिखने लगा है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया है। उनके घर के बाहर कालिख पोत दी गई। वहीं बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के वक्त सुरक्षा के इंतजाम काफी कम थे। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा भी सामने आया है। अमित शाह जल्द ही बंगाल जाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि बंगाल चुनाव के पहले बिहार में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है और टीएमसी पर हमला करने की हर कोशिश कर रही है। इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड और बंगाल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात